हेलो एवरीवन, मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया पुरी जाने का। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और हम लोग बाय कैब जाएंगे हटिया रेलवे स्टेशन। और रांची का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और बारिश हो रही है, निकलते टाइम में बारिश होने लग गई थी। हमारे प्लेस से हटिया स्टेशन जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 45 मिनट लगा और हम लोग पहुँच गए हैं अपने रेलवे स्टेशन। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ। हमारी ट्रेन सामने ही खड़ी थी, हम लोगों ने थर्ड एसी बुक किया था और बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने दिन के बाद हम दोनों कहीं घूमने के लिए निकले हैं। तो सोचा कि चलो बीच ही जाते हैं। मॉर्निंग में उठ करके हम लोगों ने सबसे पहले उड़ीसा का ये जो बाहर की ग्रीनरी का मज़ा लिया, बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा मतलब वाटर लिलीज और कमल के फूल बहुत देखने को मिल रहे थे, बहुत ग्रीनरी थी। झारखंड भी हमारा बहुत ग्रीनरी वाला प्लेस है, यहाँ पे भी वैसा ही है नीचे, बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। पूरी पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, आधा घंटा लेट ही था ट्रेन और हम लोग अपने स्टेशन पे उतर गए। आज मैं पूरा तैयार होते हुए कि मैं ठीक लगूँ फोटो में वीडियो में। स्टेशन से हम लोगों ने अपने होटल तक जाने के लिए रिक्शा किया। रिक्शा से हम लोगों को लगा कि पूरा नज़ारा देख सकते हैं, तो रिक्शे ने हम लोगों को 10 मिनट में अपने होटल पहुंचा दिया। रूम हमारा बहुत बड़ा नहीं था पर ठीक ठाक था। हम लोग चाह रहे थे कि बीच के पास वाला होटल मिले, पर हम लोग ने जो होटल देखा वो बहुत अच्छा था। ये हमारे हस्बैंड पहले बैठ गए हैं, हम तो बाद में घुसे अंदर। तो रूम हमारा अच्छा था, क्लीनिंगनेस के साथ में था और ये खिड़की से बाहर का नज़ारे में रोड और दूसरी होटल्स दिखाई दे रही थी। के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम लोग जल्दी से तैयार हुए और निकल गए भुवनेश्वर में हिस्टोरिकल स्पॉट्स की सैर करने के लिए। बीच बीच में हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक कराया, इन्होंने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उसके भी फ़ोटोज़ इन्होंने क्लिक की। भुवनेश्वर जाते टाइम मौसम बहुत अच्छा हो गया था, 28 डिग्री हो गया था और पुरी का टेम्परेचर 31 डिग्री था, तो थोड़ा सा राहत भी लगा। भुवनेश्वर में हमारे घूमने का सबसे पहला स्पॉट था उदयगिरी और खंडगिरी। यहाँ पे गुफाएं बनी हुई थी, पहले के जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ पे बैठ के तप करते थे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा रेनोवेशन करके इसको पब्लिक के लिए अच्छा बना दिया गया है और ऊपर से भी व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था। हम जगह जगह लंगूर भी बैठे हुए थे तो लोग कुछ कुछ खाने को उनको दे रहे थे। ये सब गुफाएँ हैं जहाँ पर वो लोग बैठा करते थे। उसके बाद हम लोग सबसे टॉप पर गए, चढ़ने में थोड़ा परेशानी हुई थी पर ऊपर से नज़ारा भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो सामने बिल्डिंग्स थी और मंदिर भी दिखा था। हमारा नेक्स्ट साइट था धौलीगिरी। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड स्टैचू बने हुए थे और दीवारों पर भी बहुत अच्छा उनका लाइफ से रिलेटेड पूरा क्राफ्टेड था। हम लोग धौलीगिरी के बाद लिंगराज मंदिर गए पर वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, पर वो भी घूमने का बहुत अच्छा प्लेस है। उसके अंदर में 108 मंदिर है। शाम हुई तो हम लोग बीच की तरफ गए, बीच का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी, उनको लगता है 6 बजे का टाइम होगा, हम लोग पहुँच गए थे पुरी तो मौसम भी अच्छा था। ये मेरे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे कोणार्क और उसके आसपास के जो बीचेस हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कैसा नज़ारा है। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पार्ट 2 और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।